please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आईटी पार्क सिडकुल सहस्त्रधारा देहरादून, ये एड्रेस है किमाया ग्रीन्स का। किमाया ग्रीन्स यानी कि सिक्का ग्रुप का एक और जाली प्रोजेक्ट, नोएडा के सिक्का कर्णम और सिक्का की मात्रा की तरह। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिक्का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खरीदारों को ठग रहा है, उनसे पैसे लेने के बाद पोजेशन के नाम पे अगर उन्हें सिर्फ दे रहा है तो तारीख और झूठे वादे। सिक्का ने यही काम देहरादून में भी शुरू कर दिया है, जिसका हमारे पास कच्चा चिट्ठा है। सिक्का ने किमाया ग्रीन्स के नाम से देहरादून में 2013 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें वो 2017 में पोजेशन देने वाला था, लेकिन वहां पे भी लोगों को पोजेशन के नाम पे मिली तो सिर्फ तारीख। साल 2017 लगभग खत्म होने को है, लेकिन इस सोसाइटी में अभी बिल्डिंग भी बनकर तैयार नहीं हुई है, तो पोजेशन तो दूर की बात है। इस सोसाइटी में फ्लैटों की कीमत 33 लाख से 1 करोड़ तय की गई थी, जो कि वहां के सर्कल रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन सिक्का ने खरीदारों से स्विमिंग पूल, जिम, पार्किंग, क्लब, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं गिनाकर पैसे ऐंठ लिए। ऐसा बताया सिक्का के एक खरीदार सफी अब्दुल्ला ने रियलिटी मीडिया से बातचीत में। ये तो सिर्फ एक खरीदार है, सिक्का ने इनके जैसे हजारों लोगों को लूटा है। रियलिटी मीडिया बनेगा उनकी आवाज और रोकेगा सिक्का की मनमानी। राकेश सिंह की रिपोर्ट रियलिटी मीडिया के लिए।